बोले जा रही थी। फिर से समर वेकेशन। फिर से समर वेकेशन। कुछ दिनों के बाद कृति का सुबह इतना सुबह हुआ। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। कृति कल जाएगी स्कूल, है ना? बहुत दिनों बाद, दो साल बाद कृति जा रही है स्कूल। लास्ट स्कूल गई थी वो 21 मार्च 2020 को। हाँ, 2020 को। अभी है 2022, 28 मार्च 2022 को वो फिर से स्कूल जाएगी। मतलब तो 2 साल 7 दिन। हाँ, 2 साल 7 दिन के बाद। कृति एक्साइटेड? हाँ। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा, एक्साइटेड, मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ। फिर क्या लिखना है? क्या लिखना है? वो अपनी कल के लिए रेडी कर रही है। ये कृति का बैग, ये एक्चुअली हम लोगों ने 2020 में खरीदा था ना, कि वो उसका बैग खराब हो गया है, तो ये चलो ये ले लेते हैं। तो 2 साल के बाद ये बैग भी यूज होगा। और आज कृति जा रही है स्कूल, तो इसके लिए मैंने उसका टिफिन बनाया। ये आलू की सब्जी है और पराठा बनाया है, और उसकी लंच बॉक्स रेडी करना है। ये मैंने इसमें कुछ फ्रूट्स डाल दिया है स्नैक्स में, और ये मैं अभी रेडी करूँगी। रीति आज सुबह सुबह उठ गई है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आज उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है आफ्टर टू इयर्स, है ना? हाँ, 2 इयर्स के बाद। बोलने जा रहे थे? हाँ। क्या बोल रहे? मैं 20 बोलने जा रही थी। 20 इयर्स के बाद। मैं 20 बोलने जा रही थी। देखो कृति, दूसरे दिन तो उसको उठाना मुश्किल होता था। हाँ। आज वो मतलब 6 o'clock से पहले उठ गई है। गुड। सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। चलो, कृति की हॉलीडे मस्ती खत्म। हॉलीडे मस्ती हाँ खत्म, अभी स्कूल स्टार्ट, है ना? हाँ, फिर पढ़ाई। फिर से समर वेकेशन। अभी तो लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग हॉलीडे मतलब बाकी है ना। हाँ, स्कूले गियो तो सबाई के लाइन लाइन बाय खावा लागे, हाथ धुतो तो। हाँ, सैनिटाइजर तो नहीं भी। सैनिटाइजर बैग नहीं है नीचे कल के। कल रात को ना आधे से ज्यादा सामान रेडी करके रख दिया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जा रही है ना। और कृति का ना यूनिफॉर्म अभी तक रेडी नहीं हुआ है। वो एक्चुअली हम लोग ऑर्डर किए हैं, तो आने में कुछ दिन टाइम लगेगा। और ये जो टी शर्ट वो पहनी हुई है ना, ये हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया था, ये उसके फ्रेंड का है, मतलब यही अपार्टमेंट पे, हमारे अपार्टमेंट में है, पर वो तो पहने नहीं है। हाँ, तो वो लास्ट टाइम उसने लिया था, एकदम न्यू था। तो उसको ना मतलब 2020 में एकदम उसने नया लिया था, उसके बाद स्कूल बंद हो गया था, तो ये एकदम से ओपन ही नहीं किया था उसने। तो वही कृति के लिए मतलब कृति को दिया है वही वाला, तो वही वो टी शर्ट यूज कर रही है। बट टी शर्ट है, एक शर्ट है, और वो दो हम लोगों को मिल गया। बट बाकी का जो मतलब ड्रेस है ना, यूनिफॉर्म स्कर्ट वगैरह, वो सब आने में थोड़ा टाइम लगेगा, शूज भी आने में टाइम लगेगा। तो आज कृति इसी तरह से जाएगी स्कूल। और काफी दिनों के बाद ना कृति ने इतनी सुबह नहाया। हाँ, हमें नीचे ही उठे थे, देखते थे तुम ही नहीं तो बोला हमें भागा हम जो तुम ही रहना पड़ते हैं। बेसिकली काफी दिनों के बाद कृति का सुबह इतना सुबह हुआ। हाँ, विदाउट नो प्रैक्टिस। रेडी? हाँ, कृति रेडी है। जस्ट अभी भी कृति को बस पे छोड़ के आई, और ऐसा लग रहा था ना, अजीब लग रहा है कि वो सब कुछ कर पाएगी या नहीं, पता नहीं क्या करेगी। जो 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 होता है ना, फर्स्ट दिन, जब पहला दिन था ना, उस टाइप का लग रहा है 2 साल के बाद। लेकिन वो तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। जब बस में चढ़ी ना, थोड़ा सा साइलेंट हो गई। और नॉर्मली 7:30 को होता है, तो थोड़ा लेट था, तो 8 o'clock हो गया आज, फर्स्ट डे था बस, इसलिए। और उल्टा हम लोग
फर्स्ट डे है तो जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे चले गए. और आज मैं बनाऊंगी मलाई करी, चिंगी की मलाई करी. तो ये थोड़ा बड़ा चिंगी है ना, छोटा वाला चिंगी हमारे उस साइड में मिलता है, यहाँ वहाँ पे नहीं मिलता है. तो मम्मी को मेरे हाथ का चिंगड़ी का मलाई करी खाना है. और ये मेरा मसाला जो है रेडी, मैंने जस्ट ऑनियन लहसुन अदरक सारा कुछ पीस के डाल दिया था. उसके बाद जब ऑनियन वो मसाला फ्राई हो गया, उसके बाद हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च दे के मैंने इसको रेडी कर दिया. अभी टमाटर भी एकदम से सॉफ्ट हो गया है, मसाला रेडी हो गया है. अभी मैं इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड. तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड को पीस के रखा है. सो मस्टर्ड डालना है और कोकोनट मिल्क डालना है. और ये जो फ्लेक्सिड है ना, मतलब रेड तिल है, ये एक्चुअली मम्मी ने अच्छे से छान के धो लिया है. उसके बाद मम्मी कढ़ाई में इसको ड्राई रोस्ट कर रही है. और उसके बाद जब ये एकदम से सूखा हो जाएगा तब इसको मतलब मिक्सी में पीस लेंगे. और ये ना एकदम खसखस जैसे हम लोग पीसते हैं ना, उस टाइप का टेस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है. बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आने के बाद से ये फर्स्ट टाइम बन रहा है, क्योंकि जो बोड़ा होता है ना वो एक्चुअली अतनु को खाना बहुत पसंद है. तो इसके लिए काफ़ी दिनों से वही बन रहा था. आज मम्मी मेरे लिए ये बना रही है. और ये एकदम से जैसे आप पोस्तो का पीसा हुआ पोस्तो खाते हैं ना, उसी तरह का टेस्ट होता है. सो ये थोड़ा थोड़ा करके एकदम से ड्राई हो रहा है. यहाँ पे ना इसका स्मेल आ गया मम्मी, बहुत ही अच्छी है, खुशबू आ गई है. इसको ना एकदम से ड्राई रोस्ट कर रहे हैं मम्मी, अच्छे से इसको धो लिया है. और कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको उबाल लेना है. एकदम लास्ट में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ. अतनु ऑफिस में है तो मम्मी मेरा कैमरामैन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कुकिंग निपटा रहे हैं. क्या होना चाहिए मलाई चिंगड़ी? फर्स्ट क्लास. अभी मम्मी रिव्यू देगी. बहुत डाल दे बात खच्ची. अभी तक तो पापा ने मलाई खाया ही नहीं, मलाई चिंगड़ी पता है फर्स्ट क्लास. हाँ अभी खा रहा है. क्या होना चाहिए? जब तक हम ना बोल रहे तब तक हम कैमरा जोर आ रहा है. ये जो तिल है ना, रेड कलर का जो तिल, वो एक्चुअली फ्लेक्सिड है. मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज भी किया था, तो हाँ सिमिलर उस टाइप का ही दिखता है, मुझे लगता है कि वही है ना. लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉलिश रहता है. वो पॉलिश्ड या अनपॉलिश्ड वाला है? हाँ अनपॉलिश वाला है शायद. तो इसको ना आज मतलब उसका बोड़ा नहीं बनाया है, इसको इस तरह से पहले रोस्ट किया है. उसके बाद इसको पीस के थोड़ा सा रॉ ऑनियन डाल के सरसों तिल दिए. और इसमें ना कच्चा मस्टर्ड ऑयल भी है. तो पोस्तो वाला मतलब एकदम मन हम पोस्तो वाला खाची. हाँ तुम्हें भात खेल ना तुम्हें भात खेल रखो, भात एकदम पोस्तो वाला मतलब नहीं लगे. कैसा रहा? खूब खिले बेचे. चलो चलो और आज कृति के लिए बना था दाल मखनी, कृति का फेवरेट. एक्चुअली मैं उसको राइस ही देती हूँ स्कूल से आने के बाद, बट आज दाल मखनी था तो इसके लिए कृति का फेवरेट है, तो वो रोटी के साथ ही लेना पसंद करते हैं. और ये जब रहता है तो वो राइस बिल्कुल खाना नहीं चाहती है, तो इसीलिए आज दाल मखनी रोटी. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. और कृति ने आज टिफिन भी फिनिश किया है. तो कृति 2 साल के बाद स्कूल जाके कैसा लग रहा है? अच्छा पर टायर्ड. अच्छा टायर्ड हो गए हो. अच्छा अभी खाना खा के सो जाओगे फिर? हाँ. हाँ? हाँ. सो जाना ठीक है. नहीं नहीं.